नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। और देखिए, आज मैं आ गई हूँ अपने टेरेस के ऊपर और मैं आज बना रही हूँ एक छोटा सा वीडियो। आप लोग भी इसको देखिए और आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि इसमें बहुत सारे करेले बन रहे हैं। इससे पहले मैंने 2-3 बार हार्वेस्टिंग इसकी कर ली है, लेकिन आज मैं आई हूँ फिर से इसकी हार्वेस्टिंग कर लें। तो मैंने करेले तोड़ लिए हैं और देखिए ये मुझे आज इसमें से मिले हैं, ये 3 करेले। आप ऐसा मत सोचिए कि आपने तोड़ते हुए तो नहीं बताया, क्योंकि मैंने तोड़ने के बाद वीडियो बनाया तो इसलिए उसके लिए सॉरी। और उसके बाद मैं अब तोड़ूँगी बैंगन। बैंगन भी बहुत अच्छी तरीके से फ्रूटिंग हो रही है। मौसम में तो बहुत गर्माहट है, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल कंटिन्यू में, अभी मेरी बहुत ज़्यादा इनकी देखभाल में टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि सुबह और शाम दोनों समय इनको मुझे पानी देने आना होता है। और मैं कम से कम 2 घंटा ऊपर टेरेस पर इनकी बिल्कुल ध्यान से केयर करती हूँ कि कहीं कोई रोग तो नहीं आ, कोई पत्ता पीला तो नहीं हो रहा बिना पानी के, क्योंकि इस मौसम में हमेशा करीबन ये जी सितंबर का महीना चल रहा है तो अगस्त और सितंबर में बरसात हो जाया करती थी, लेकिन इस बार बिल्कुल भी बरसात नहीं हुई है, जिसके कारण थोड़ी सी दिक्कत है। तो मैं दोनों टाइम कंटिन्यू पानी दे रही हूँ और लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादा दे रही हूँ। और उसके बाद देखिए कि अब मैं अपनी जो मैंने पहले वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि लौकी थोड़ी छोटी थी, लेकिन अब ये बिल्कुल सही उसमें आ गई है। और आज तो मैं इसको हार्वेस्टिंग नहीं करूँगी, मैं 1-2 दिन बाद करूँगी जब मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी उस समय। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि तोड़ करके रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए, आप देखिए कि ये कितनी, ये इसमें थोड़ा सा पत्ते हैं तो फल कोमल होता है तो उसमें दाग लगना बहुत ही नेचुरली बात है। और उसके बाद देखिए, जो मैंने आज हार्वेस्टिंग करी थी तो मैंने आज उसका वीडियो बनाया है और आप लोग देखिए कि इस तरीके से मैंने सब्जियां तोड़ ली है।